वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक पातशाह के मुखारबिंद से उच्चारण की हुई पावन बाणी जपजी साहिब की आज 20वीं पौड़ी की विचार व्याख्या करने का एक छोटा सा प्रयास, वो भी इसी भाव से जैसा कि पंचम पातशाह गुरु अर्जुन देव जी ने पावन फरमान किया है, मैं मूरख की केतक बात है, कोट पराधी तरियारे, गुरु नानक जिन सुनिया पेखिया से फिर गर्भासना पर्यारे। गुरु नानक पातशाह के प्रत्यक्ष दीदार करने वाले, दर्शन करने वाले या बाणी रूप में दर्शन करने वाले, बाणी रूप में दर्शन का भाव है कि गुरु नानक पातशाह ने जो पावन बाणी उच्चारण की है उसको पढ़कर सुनकर विचार कर उस पर अमल करने का जो प्रयास है वो भी गुरु नानक पातशाह के दीदार ही हैं, दर्शन ही हैं। और जिन्होंने किया है कहते कोट पराधी तरह करोड़ों पापी जो है वो भवसागर से पार उतर गए गुरु पातशाह के, जिन्होंने प्रत्यक्ष दीदार किए या जो वाणी रूप में से करके और अपना जीवन सफल करने का यत्न कर रहे हैं। गुरु आप रहमत करें, गुरु पातशाह आप रहमत करें और पावन वाणी अनुसार हमारा जीवन बने, हम इस तरह की भावना बनाएं तो गुरु कृपा से ऐसा हो सकता है कि वो मालिक हमारे पर कृपा करे और हमारा जीवन पावन बाणी अनुसार बन जाए। 20वीं पौड़ी में कर्म फिलॉसफी की बात है, बहुत ही रोजमर्रा का उदाहरण देके इसमें बहुत सुंदर ढंग से गुरु नानक पातशाह ने समझाया है और गुरुवाणी में अन्यत्र भी समझाया है और अन्य ग्रंथों में भी समझाया गया है कि हर एक व्यक्ति के कर्मों का अपने जीवन पे ही उसको उसका उसका फल उसको भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कर्म करते हुए सुचेत रहने की जो पावन पावन संदेश है इस पौड़ी में अपन समझने का यत्न करेंगे। 20वीं पौड़ी में गुरु नानक पातशाह फरमान करते हैं, भरिए हथ पैर तंदे ही, पानी धोते उतरस के, मूत पलीती कपड़ होई, दे साबुन लइए ओ धोई, भरिए मत पापा के संग, ओ धोपे नामे के रंग, पुन्नी पापी आखण नाही, कर कर करना लिख ले जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आवो जाओ, आपे बीज आपे ही खाओ, नानक हुक्मी आओ जाओ। इस पौड़ी में गुरु पातशाह रोजमर्रा का उदाहरण देके जीवों को एक गूढ़ तथ्य जो है वो समझाते हैं कि किस प्रकार अगर शरीर का कोई अंग, भरिए हाथ पैर तन दे, शरीर का कोई भी अंग, हाथ पैर या कोई भी अंग मिट्टी से किसी भी तरह से या पूरा शरीर मिट्टी से भर जाए उसे पानी से धोया जा सकता है। भरिए हथ पैर तन दे, तन शरीर, दे शरीर, इस शरीर का कोई अंग या शरीर पूरा मिट्टी उसको लग जाए या वो मलिन हो जाए तो उसको पानी से धोया जा सकता है। पानी धोते उतरस खे, खे कहा है मिट्टी को, और पानी से वो मिट्टी जो है वो उतर जाएगी, यानी वो शरीर, शरीर का कोई अंग पानी से धो के साफ किया जा सकता है। मूत पलीती कपड़ हुई, अगर इससे ज्यादा मलिनता वाला कोई कपड़ा हो गया है तो उसके लिए दे साबुन लइयो धोए, तो उसे साबुन से धो लेंगे, किसी डिटर्जेंट से धो लेंगे, और वह धूल कण या मैल उसकी उतारी जा सकती है। अगर कोई वस्त्र, कपड़ा मल मूत्र आदि से अपवित्र हो जाता है, गंदा हो जाता है, तो उसे साबुन से धोने पर उसकी मलिनता दूर हो जाएगी, वह फिर पहनने योग्य हो जाएगा। लेकिन भरिए मत पापा के संग, ओ धोपे नामे के रंग, अगर ये बुद्धि पापों से भर जाए तो वो उसे धोने के लिए तो दुनिया में कोई साबुन, कोई डिटर्जेंट आज तक बना ही नहीं है। गुरु पातशाह इस गूढ़ तथ्य को समझा रहे हैं। गुरु पातशाह समझाते हैं कि अगर मनुष्य की बुद्धि पापों अर्थात विकारों के मैल से भर जाए तो वह ना तो पानी से स्वच्छ हो सकती है और ना ही किसी डिटर्जेंट से, साबुन से उसे निर्मल या पवित्र किया जा सकता है, साफ किया जा सकता है। वह तो केवल और केवल उस परमात्मा के नाम से ही साफ हो सकती है। भरिए मत पापा के संग, ओ धोपे नामे के रंग, वो केवल और केवल परमात्मा के नाम से ही स्वच्छ और निर्मल हो सकती है। और दुनिया में कोई किसी तरह, कोई भी कितना भी पावरफुल साबुन या डिटर्जेंट नहीं
है, कोई भी नहीं बना जिससे बुद्धि की मैल को साफ किया जा सके और उसमें ये साफ करने की समर्थता हो। विकारों से भरी बुद्धि तो केवल और केवल उस परमात्मा के पावन नाम से ही उज्ज्वल और निर्मल हो सकती है। गुरुदेव आगे पावन फरमान करते हैं, भरिए मत पापा के संग, ओ धूपे नामे के रंग, पुन्नी पापी आखण नाही। बहुत गहरी बात, विचार करने की बात कि पुण्य और पाप कर्म केवल कहने मात्र के लिए नहीं बने हैं। पुण्य और पाप कर्म केवल कहने मात्र के लिए नहीं बने हैं तो क्या किस लिए बने हैं? पुण्य पापी आखण आए, कर कर करना लिख ले जाओ। बार बार कर्म को रिपीट करते हुए उसको संस्कार रूप में उकेर कर उसे अपने साथ लेके जाना ही पड़ेगा जीव को, और उसके अनुसार उसको फल भोगना ही पड़ेगा। ये गुरुवाणी का फैसला है। तो गीता में भी कहा है, कर्म किया कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर ए इंसान, जैसे कर्म करेगा बंदे वैसा फल देगा भगवान। इस आशय को इस तरह से समझाया है किसी ने, तो केवल कर्म किए जा और फल की इच्छा मत कर। तू फल की इच्छा कर या ना कर, लेकिन फल तेरे को मिलना ही मिलना है। इसलिए गुरुपाशा समझाते हैं कि जीव के कर्मों और उसके परमात्मा के दर पर होने वाले लेखे जोखे का वर्णन करते हुए आम जीव के बहुत बड़े भ्रम, उसकी गलतफहमी को दूर करते हैं। गुरुदेव पावन फरमान करते हैं कि पुण्य पापी आखणा ही, अर्थात ये पुण्य एवं पाप कर्म केवल कहने मात्र के लिए नहीं बने हैं, हर एक कर्म का लेखा जोखा होता है। अब विचारणीय तथ्य यह है कि इंसान की फितरत है कि वह सोचता है कि अरे कौन देखता है, कोई भी पाप कर्म करेगा ना उसको किसी पर्दे में करेगा, उसको छिपा के करेगा, कोई अच्छा काम करेगा, नेक काम करेगा, वो सबको दिखा के करेगा, ये इंसानी फितरत है। कहते अब विचारने तथ्य तो ये है कि इंसान की फितरत है कि वह सोचता है अरे कौन देखता है या कौन जानता है, मैं जो कुछ कर रहा हूँ सबसे छिपा कर ही कि तो कर रहा हूँ। और जिस व्यक्ति का यह भ्रम जाल जितना बड़ा होगा, ये भ्रम जाल, ये उसकी एक तरह से गलतफहमी जितनी बड़ी होगी, वो व्यक्ति उतना ही पाप कर्मों की ओर अग्रसर होता जाएगा, ये पक्की बात है। क्योंकि वो सोचता है कि कौन देखता है, कौन जानता है, कौन पूछता है, लेकिन वह ईश्वर सब कुछ जानता है, यथा घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पहचानत। वो तो घट घट की जानने वाला है, भले बुरे की पीर को पहचानने वाला है, उससे कोई पर्दा नहीं हो सकता, उससे कोई नहीं छिपा सकता। तो इसलिए समझाया है, अतः जीव अपने कर्मों का फल लिखकर साथ ले जाता है। संसार में विचरण करते हुए प्राणी जो भी अच्छे या बुरे कर्म करता है वह उसके भाग्य के लेखे में लिखे जाते हैं और उसका फल उसे अवश्य में भोगना पड़ता है। सरदार तेजा सिंह जी के विचार अनुसार पाप तीन प्रकार के होते हैं। अन्य विद्वानों ने भी तीन तरह के पाप कर्म मान्य हैं, तीन प्रकार के कर्म मान्य हैं, पाप कर्म मान्य हैं। वो मानसिक, जो मन से विचारे जाते हैं, मानसिक कर्म जो मन से विचारे जाते हैं, कायिक यानी जो शरीर से किए जाते हैं, काया से यानी शरीर से किए जाते हैं, वाचिक जो वाणी द्वारा अर्थात बोल कर किए जाते हैं। तीन तरह के कर्म, मानसिक, कायिक और वाचिक। मानसिक जो मन से विचारे जाते हैं, कायिक यानी जो काया यानी शरीर से किए जाते हैं, वाचिक जो वाणी द्वारा अर्थात बोलकर किए जाते हैं। जैसा कि आम प्रचलित कहावत है, बोए पेड़ बबूल के तो आम कहाँ ते होए। गुरुवाणी आशय अनुसार जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। जेहा बीजे यानी जिस प्रकार का बीज बोओगे वैसा ही लुणे अर्थात वैसा ही काटना पड़ेगा। कर्मा संदड़ा खेत, ये कर्मों का के लेखे जोखे का खेत है, कर्मों रूपी बीज का खेत है। और इसी प्रकार कर्म जो है, पाप कर्म तीन प्रकार के, मानसिक, कायिक और वाचिक। मन से विचारे गए, काया यानी शरीर से किए गए, और वाचिक यानी वाणी से बोलकर किए गए। उसी तरह से कर्म फल भी तीन प्रकार के हैं, क्रियमान जो कर्म जीव द्वारा किए जा रहे हैं, जो कर्म जीव के द्वारा किए जा रहे हैं उसे क्रियमान माना है। प्रारब्ध जो कर्म जीव द्वारा भोगे जा रहे हैं, जो जीव भोग रहा है वो उसकी प्रारब्ध है, और संचित जो कर्म पिछले लेखे में जमा है और अतः अभी भोगने शेष हैं,
लेकिन भोगने जरूर पड़ेंगे। अतः जीव मनसा वाचा कर्मणा, मन वचन कर्म से जिस तरह के भी कर्म करेगा उसके संस्कार अपने साथ उकेर कर ले जाएगा, तथा जीव स्वयं के कर्मों के अनुसार ही परमात्मा के हुक्म से बुरे कर्मों के कारण आवागमन के चक्कर में पड़ा रहता है और नेक कर्मों से उस परमात्मा में अभेद हो जाता है। जैसा कि गुरुवाणी का पावन फरमान है, कप्पड़ रूप सुहावना छड़ दुनिया अंदर जावना, मंदा चंगा अपना आपे ही किता पावना। मंदा चंगा अपना, मंदा यानी बुरा, चंगा यानी नेक श्रेष्ठ, आपे ही किता पावना, वो उस सब का फल जो है उसको स्वयं भोगना ही भोगना पड़ता है। अतः अपने लिए जो कर्मों का लेखा जोखा है बंदे का, इंसान को स्वयं भोगना पड़ता है, ये 100% सच्चाई है। इससे कहीं मुनकर नहीं हुआ जा सकता, इससे कोई इधर उधर नहीं हुआ जा सकता, ये कुदरत का अटल नियम है। जित कीता पाइए अपना सा घाल बुरी क्यों घाली। अब जब अपने ही कर्मों पर फैसला है, निबेड़ा है, यानी अपने ही कर्मों का फल खुद को ही भोगना है, तो वो फिर कर्म बुरे क्यों किए जाएं? तो बीज बुरे क्यों बोए जाएं? विष बोकर कोई अमृत की अभिलाषा रखे तो ये बेमानी है, ये महामूर्खता है। गुरबाणी आशय अनुसार, अगर जो हम बीज जित कीता पाइए अपना, जब अपने ही कर्मों का फैसला स्वयं पे ही है। अब जैसे कोई किसान है, अगर वो गेहूं बो रहा है तो उसमें से मक्का थोड़ी उग जाएगा। जिस तरह का बीज बोएगा उस तरह की फसल तैयार होगी। और एक दाना बीजता है, बोता है, और देखो आप उस पे कितना फल लगता है और कितने वर्षों तक लगता है। ऐसे ही जन्मों का सिलसिला चलता है। कई बार हम जीवन में देखते हैं कि कोई व्यक्ति बड़ा अच्छे काम कर रहा है, नेक काम कर रहा है, लेकिन उसके जीवन में इतनी उलझन है, इतनी पीड़ा है, इतना दर्द है। क्या फिर इसके पीछे पिछले जन्मों का कुछ लेखा जोखा नहीं है? कुछ करनी, कुछ कर्म गति, कुछ पूर्व लेख, कुछ हम जो कर रहे हैं, कुछ हमारे संचित कर्मों में है, लेखे जोखे में है, वो हमको भोगना है। हमें कोशिश करनी है। एक बार एक छोटी सी घटना याद आई, वो आपसे साझा करती हूँ। इस संदर्भ में हमारा ये टॉपिक जो है शायद इससे और स्पष्ट हो जाएगा। दो मित्र थे, एक बहुत ही नेक कर्म करने वाला, एक बुरे कर्म करने वाला, पाप कर्म करने वाला। अब वो आदि है अच्छे कर्म करने का, वो आदि है बुरे कर्म करने का। पुरबले जन्मों के कुछ संस्कारों की बदौलत इस तरह का लेखा जोखा चलता रहता है। एक का नियम था रोज मंदिर में दिया जलाने जाता था, एक का नियम था वो दिया बुझाने जाता था। जो बुरा था उसकी फितरत भी तो बुरी होगी। अब क्या होता है, एक दिन बहुत तेज बारिश आती है और तूफान जैसा, तूफानी सी हवाएं चलती हैं। जो व्यक्ति दिया जलाने जाता था, नेक कर्म करने वाला, वो उसके पैर में एक कांटा चुभ जाता है और वो कुछ मौसम ऐसा और कुछ उस दर्द की वजह से वो नहीं पहुंच पाता। वो वहीं करहा रहा होता है, उसको बड़ी दर्द होती होती है, खून बह रहा है उसके पैर से। और जो दिया बुझाने वाला था वो महाशय पहुंच जाता है दिया बुझाने। अब कुछ देर इंतजार करता है, अब सोचता है वो नहीं आने वाला, दिया जलाने वाला नहीं आने वाला, नहीं पहुंच पाया, और सोच रहा है आज मैंने पता नहीं कौन सा मैदान फतेह कर लिया। वापिस आता है उसी रास्ते से और देखता है कि वो तो दर्द से कराह रहा है, और जो दिया बुझाने जाता था उसको उस दिन एक सोने की अशर्फी मिलती है। बड़ा खुश वो, उसकी खुशी की कोई सीमा ही नहीं है। जब अपने मित्र के पास, उस दोस्त के पास पहुंचता है, कहता है देख लिया तेरे दिए जलाने का और नेक कर्म करने का फल, पैर में कांटा सूल चुभवा के बैठा है और मुझे देख सोने की अशर्फी मिली है। तो वो बेचारा क्या बोलता, भला पुरुष, कुछ नहीं बोला। वही एक कोई अन्य पुरुष
आते हैं तो बड़ी इतराते हुए उसको वो सारी कहानी कहता है कि रोज दिया जलाने जाता था, देखो इसके पैर में क्या शूल कड़ा पड़ा है, इतने दर्द से करा रहा है। वो कुछ अंतर आत्मा की जानने वाले कुछ सूझवान व्यक्ति थे। वो दोनों को देखते हैं और बड़े प्यार से एक बात कहते हैं, कहते हैं आज इस व्यक्ति को जो दिया जलाने जाता था, आज सजाए मौत मिलनी थी, सजाए मौत, फांसी पर लटकाया जाना था, कारण जो भी बनता, लेकिन इसका पैर में ये कांटा सूली से सूल बन गया और तुझे आज राज सिंहासन मिलना था, लेकिन तूने पाप कर्म करते 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 सिर्फ तेरे भाग्य में एक ये अशर्फी बची है। अब समझ में आया कि नेक कर्म का नेक फल है। अब हमें नहीं पता होता हमारे पिछले जन्मों का क्या लेखा जोखा है, और हम अंदाजे लगा लेते हैं किसी की थोड़ी सी, किसी एक छोटी सी बात से ही हम अंदाजे लगाने शुरू कर देते हैं और अपने विचार प्रकट करने लग जाते हैं। पर उपदेश कुशल भव तेरे, दूसरों को उपदेश देना बहुत सरल है, लेकिन सिद्धांतों पर चलना उतनी ही कठिन साधना है। हम सबको, हर एक व्यक्ति को अपने कर्मों का लेखा जोखा भोगना पड़ता है, इसलिए हमें गुरबाणी, ये धर्म ग्रंथ हमें कर्म करते हुए सुचेत रहने के लिए हर समय प्रेरित करते हैं। लेकिन इस प्रेरणा का भी कब पता चलेगा? जब हम इनको पढ़ेंगे, जब हम इनको पढ़ेंगे, समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तभी ही तो हमारे अंदर एक सुचेतता बनेगी, एक सतर्कता बनेगी कि ये कर्म मेरे करने योग्य भी हैं कि नहीं है। गुरु हमें नीर शीर विवेकी बनाता है, हंस वाली प्रवृत्ति बनाता है, हमारी बगुला प्रवृत्ति से हटाता है। दिखावे के लिए कुछ नहीं करना, सब कुछ का फल हमारे सिर पे है। इसलिए बाबा फरीद जी भी बड़ा सुंदर समझाते हैं, फरीदा जे तू अकल लतीफ, अगर तू सचमुच समझदार है, सचमुच उस मालिक ने, उस खुदावंद ने तेरे को बुद्धि बख्शी है, सोचने की क्षमता बख्शी है, तो काले लिखना लेख, तो माड़े कर्म यानी बुरे कर्म मत कर, अधम कर्म मत कर। फरीदा जे तू अकल लतीफ, काले लिखना लेख, अपने गिरेबान में सिर नीवा कर देख, अपने गिरेबान में तू जे झांक कर देख, तू दूसरों की ऐब मत देखता रह, क्योंकि उसका लेखा जोखा उसके सिर है, जो बुरा कर रहा है उसका लेखा जोखा उसके सिर है, तू क्यों हिसाब करता है? इसलिए किसी ने बड़ा खूब कहा है इस संदर्भ में, तू दूसरों के गुनाहों को बेनकाब न कर, ईश्वर देखता है तू हिसाब न कर, ईश्वर देखता है तू हिसाब न कर। हर एक व्यक्ति के अपने कर्मों का लेखा जोखा है, इसलिए किसी को कुछ ना कहकर केवल हमने अपने अंतःकरण में झांकना है और देखना है कि हम कहाँ खड़े हैं, हमारे कर्म कैसे हैं, और हर समय अरदास करनी है, विनती करनी है, हे परवरदिगार, हे वाहिगुरु जी, हमें नेक कर्म करने की जो हिम्मत बख्शो, तो तौफीक बख्शो, ताकि हमारा ये मानव जीवन जो है वो सफल हो सके। किसी तरह की कोई गलती हो गई हो वाणी पढ़ते हुए, उच्चारण करते हुए, या उसका विचार करते हुए, तो मैं हृदय से क्षमा प्रार्थी हूँ। वाहिगुरु सब पे रहमत करे, कृपा दृष्टि बनाए रखे, हमारा जीवन पावन बाणी आशय अनुसार बने, और जिसकी बदौलत ये लोक सुखिए, पर लोक सुहेले नानक हर प्रभु आप में मिले की अवस्था बन सके। फिर अगली पौड़ी की विचार व्याख्या जब वाहिगुरु की मेहर होगी अपन करने का विचार करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।